आरा कलेक्ट्रेट के सभागार में आरा लोकसभा चुनाव को लेकर पटना कमिश्नर कुमार रवि की अध्यक्षता में समीक्षात्मक बैठक हुई। बैठक को संबोधित करते हुए कुमार रवि ने कहा कि लोकसभा चुनाव को देखते हुए अधिकारियों, पदाधिकारियों और पुलिस प्रशासन को हर हाल में मुस्तैद रहना होगा। उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी जिम्मेवारी पुलिस की है। लोकसभा चुनाव के अंतर्गत प्रचार करने आए कई स्टार प्रचारक भी आते हैं, नेता आते हैं, उन पर पुलिस को हर कदम पर ध्यान देना होगा। इस बैठक में डीएम राजकुमार, शाहबाद के डीआईजी नवीन चंद्र झा, एसपी प्रमोद कुमार नगर, नीरज भगत, एसडीओ लाल ज्योति सहदेव से काफी संख्या में विभिन्न विभागों के पदाधिकारी भी मौजूद थे। ये तो बहुत बेसिक मिनिमम है, उसके बाद इसके अंदर में बहुत सारे अलग से गाइडलाइंस भी अलग से इशू हुए। एक तो सबसे महत्वपूर्ण है कि जितने भी इंटरनेट पे ईसीआई की वेबसाइट पर गाइडलाइंस है अपने अपने सेल से संबंधित, अपने अपने काम से संबंधित, उन सभी को डाउनलोड करके किताब में लेकर के और उसको पढ़ जाए ताकि आपका कोई पॉइंट नहीं छूटे। जो कार्यक्रम है उसके साथ कैसे ताकत भी कर रहे हैं, कैसे ईवीएम वहां पर प्रत्येक बूथ पर रखा जाएगा, अगर नंबर ऑफ कैंडिडेट्स की संख्या बढ़ जाएगी दोनों में और ज्यादा नंबर ऑफ बीयूसीयू हो जाएंगे तो उसको कैसे मैनेज करना है, ये सब एक एक चीज की प्लानिंग अभी से ही रहना चाहिए। और इसमें जो देख रहे हैं कि 17/5 को अभ्यर्थिता वापसी की तिथि है, 17/5 और उसके बाद मतदान की तिथि 1 जून, तो कितना दिन का समय मिला बीच में, 17, 13, 14 दिन का।